हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी मैं जिम आ गई हूँ और राज चला गया है स्कूल और रिद्धि गई है परसों के साथ और रिंकी के साथ। थोड़ा उनके यहाँ रहेगी कुछ टाइम के लिए, फिर वापस चली आएगी। जब राज को छोड़ने आएंगे परसों तब लेके आ जाएंगे उसे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी घर जाके थोड़ा होम रेमेडी शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ से जाते जाते बहुत धूप हो जाती है। तो कुछ कुछ होम रेमेडी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि सारा मैं शेयर नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो थोड़े थोड़े छोड़ दूँगी और किसी दिन थोड़ा और छोड़ दूँगी, हो जाएगा। तो चलिए जी के बाद मिलते हैं आपसे। ट्राई करने वाली हूँ। वैसे तो इंडिया में मामाअर्थ और बहुत सारे ब्रांड मिल जाते हैं, पर मैं यहाँ से ये वाला फेस मास्क यूज करती हूँ। बहुत ही रिलीफ फील होता है फेस पर। तो चलिए ट्राई करते हैं। वैसे ओपन करना है ओ। तो बच्चों की वजह से ना मैं ज़्यादा कुछ मतलब कर नहीं पाती हूँ, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। जब भी टाइम मिलता है मुझे, मैं ऐसे ही फेस मास्क यूज़ कर लेती हूँ। आज रिद्धि नहीं थी घर पे, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, बट रिद्धि होती है तो ये सब करने का बिल्कुल भी चांस नहीं हो पाता है। तो चलिए इसे लगा देते हैं, इसे सूखने के बाद ही मिलती हूँ आपसे। हो गया है, अब मैं खोल रही हूँ और ये सूख भी गया है। देखिए सूख गया है। तो आज जो मैं होम रेमेडी बताने वाली हूँ वो सारे आपको घर में ही मिल जाएंगे। थोड़ा बेसन लिया है मैंने और हल्दी ली है और थोड़ी सी दही डाली है और थोड़े से नींबू निचोड़ा है एंड हनी डाली है, और इन सब को हम अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए सारे चीज़ें जो है आपको घर पर ही मिल जाएंगी और ये बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, आप ज़रूर ट्राई करना इसे। तो चलिए इसे फेस पर लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है, तो इसे करीब 10 मिनट ही रखूंगी। अब ये सूखने तक ही रखना है, ऐसे कुछ टाइम नहीं है, तो इसे सूखने तक ही रखूंगी मैं। बहुत ही अच्छा है और मैं घर पे बनाती हूँ, आपने देखा होगा। मैं ज़्यादा कुछ ऐसे लगाती नहीं फेस पे, मुझे बहुत डर लगता है कहीं पिंपल ना निकल आए, तो बहुत डर लगता है। लेकिन ये जो होम रेमेडी है ना, ये मैं ट्राई करती रहती हूँ, कभी कभार कहीं जाना हो तो तभी करती हूँ। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप घर पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैंने जितनी भी सारी चीज़ें डाली हैं, और रिजल्ट आप देखना बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। खुद को ना बहुत अच्छा फील होगा, आपके गाल बहुत नरम हो जाएंगे, देखना। इसे धोते टाइम अच्छे से मसाज करके आप धोना, अच्छे से रब करके धोना, देखना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने साफ कर लिया है अपना मुंह, ड्रेस थोड़ा खराब हो गया मेरा। बहुत ही अच्छा ग्लो है ना। जब भी मुझे टाइम नहीं होता बस ये 10 मिनट के लिए कर लेती हूँ तो हो जाता है मेरा, और ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी अपने मुंह में लगाना, बस ये कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ये रेमेडी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज मैंने बनाया है चावल एंड फिश करी बनाया है और राज रिद्धि से हाथ से खाने वाले हैं। मामा, जीजी, भाई, भाई।
देखिए राज कैसे खा रहा है, पर रिद्धि को कभी बोलना नहीं पड़ता कि ऐसे खाओ, वो ठीक से खा लेती है, पर राज हमेशा गलत ही खाता है। देखिए कैसे खा रहा है और नीचे डाल रहा है, पर रिद्धि सही ढंग से खा लेती है वो। तो बच्चों के खाना खाने के बाद मैं उनको सुला दूंगी, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाना है हमें। तो चलिए इनका खाना फिनिश करके इनको सुला देती हूँ। चलो अच्छा मम्मा जाओ सिपट जा चल। हेलो गाइस, तो दांत के डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ थोड़ा काम खत्म हो गया है हमारा, वो फिर से मुझे देखने वाले हैं। मतलब यहाँ फूल गया है मेरा, बात करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसे देख पा रहे होंगे कैसे बात कर रही हूँ मैं। तो आज का काम फिनिश हो गया है, और एक बारी मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, इनकी जब छुट्टी है तब जाऊंगी मैं, क्योंकि मॉर्निंग में डॉक्टर नहीं रहते हैं, आफ्टरनून में रहते हैं, सो आफ्टरनून में ही जाना पड़ेगा। तो आज का काम फिनिश हो गया है, तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला है कि मैं सारी चीज़ें खा सकती हूँ, बस ये थोड़ा कम हो जाए, बस उसके बाद जो खाऊंगी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा फूला हुआ है, बट फूला नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं डोनट खाने के लिए, बच्चों का फेवरेट है, और मैं बहुत बार ये जगह दिखा चुकी हूँ, यहाँ पे फ्रेश डोनट मिलता है और बहुत टेस्टी डोनट मिलता है। तो बच्चों के लिए डोनट्स ले रहे हैं हम यहाँ से। तो चलिए घर हम पहुंच गए, हम खाने वाले हैं डोनट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, और न्यूली विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।